सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं प्रकर टू ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2022। इसमें अमल करेंगे कार्यपत्रक 12 जो कि पेज नंबर 12 पर है। स्क्रीन पर जो पेज नंबर 12 पर हैं, आइए शुरू करें। इससे पहले चैनल पर नए हो लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। कार्यपत्रक 12 दक्षता, क्रिया और काल को समझ पाना और उनका सही प्रयोग कर पाना। पहला, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया को काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। के, ये दुकानदार सामान कम तोलता है, तो यहाँ क्रिया होगी तोलता है। कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो क्रिया होगी गया। बंदर केला खा रहा है, तो इसमें क्रिया होगी रहा है। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, तो इसमें क्रिया होगी जाएगी। कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी, क्रिया होगी इसमें होगी। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वह सिनेमा जाएगा, जाएगा कब जाएगा, भविष्य काल, ये होगा भविष्य काल। तेज आंधी आई थी, कब आई, भूतकाल में, पहले आई थी, भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्य में लिखेंगे, भविष्यकाल। आरती पढ़ रही है, अभी वर्तमान में पढ़ रही है, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, भविष्य में, भविष्यकाल। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, भूतकाल में है तो वर्तमान में लिखना है। मैं इस घर में रहता हूँ, वर्तमान काल में हो जाएगा। अभी वर्तमान में लिख रखा है, मोर नाच रहा है, इसको भूतकाल में लिखना है, मोर नाच रहा था, भूतकाल। आपने आज क्या खाया, भूतकाल का, तो भविष्य में लिखना है, आप आज क्या खाएंगे। वे कॉलेज पढ़ रही है, पढ़ती थी, भूतकाल का है तो वर्तमान में लिखना है, वह कॉलेज में पढ़ती है या पढ़ रही है, वर्तमान में हो जाएगा। कल विद्यालय में छुट्टी है, तो ये भविष्य काल है। भूतकाल में कल विद्यालय में छुट्टी थी, कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्य काल का है, वर्तमान में करना है, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये हो गया वर्तमान काल इसका। ये था कार्यपत्रक 12 जो कि पेज नंबर 12 पर है। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र है, उसमें हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। आप यहाँ से सभी कार्यपत्रक के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।